हाँ सुजॉय। अच्छा हुआ तुमने फोन उठा लिया, मुझे तो लगा था कि मैं तुम्हारा फोन क्यों नहीं उठाऊंगी। सुजॉय, तुमसे शादी करना तो मेरी किस्मत में नहीं था, लेकिन दोस्त तो हम आज भी हैं। हाँ वो तो है। एक्चुअली मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र हो रही थी मानवी। तुम ठीक तो हो ना? तुम मेरी फिक्र मत करो सुजॉय, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे इस जैसे इंसान से हिम्मत कैसे है तुझे मानवी को फोन करने की? आज के बाद अगर तूने ये कोशिश भी की ना, जान से मार दूंगा तुझे। तुम्हें उससे इस तरह से बात करने का कोई हक नहीं है। मेरी बात खत्म नहीं है अभी सिर्फ बात कर रहा हूँ। शुक्र करो कुछ किया नहीं मैंने। सुन रहे ना तू, आज के बाद फोन मत करना। इतनी आसानी से उसका पीछा नहीं छोड़ूंगा राहुल। मानवी। सुजॉय, तुम्हें राहुल से डरने की कोई जरूरत नहीं। तुम मेरे दोस्त हो और हमेशा मेरे दोस्त रहोगे। तुम जब चाहो मुझे फोन कर सकते हो। खैर मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। आज रात को हमारे घर कुछ गेस्ट आ रहे हैं और मुझे उनके लिए खाना बनाना है। ठीक है मानवी, तुम अपना ध्यान रखना। बाय। क्या कमाल का पर्दा डाला है मानवी की आंखों पर। राहुल की हर अच्छाई उसे उसकी बुराई लगती। मेरा आधा काम तो अपने आप ही हो गया। राहुल कुछ भी कर ले, मानवी के लिए तो वो विलन और मैं हीरो बन जाता। सही है, बस अब कुछ वक्त और राहुल, उल्टी गिनती शुरू कर दे। मानवी अपने आप तुझे छोड़कर मेरे पास आ जाएगी, जरूर आएगी वो। सुजॉय, जैसे घटिया इंसान पर विश्वास करके तुम बहुत बड़ी गलती कर रही हो। अच्छा, और तुम तो बहुत अच्छे इंसान हो, इसलिए तुमने मुझसे धोखे से शादी की ना। मैं अगर आज इस घर में हूँ तो तुम्हारे लिए नहीं, और ना ही इस शादी के रिश्ते को निभाने के लिए। मैं यहाँ सिर्फ और सिर्फ अपनी माँ के लिए आई हूँ, क्योंकि मेरी माँ के लिए ये शादी के रस्म और रिवाज बहुत मायने रखते हैं राहुल। पर उनकी बात माननी है तो ये मत समझना कि तुम भी मुझ पे अपनी मर्जी चलाओगे। सुजॉय सिर्फ मेरे बाबा के दोस्त का बेटा नहीं है, वो एक बहुत अच्छा इंसान है। तुम्हारी पसंद नापसंद की वजह से मैं सुजॉय से अपना रिश्ता कभी नहीं तोड़ूंगी। जी हाँ, शाम तक मुझे वो ड्रेस डेफिनेटली चाहिए। प्लीज मैंने जो कहा है बस उतना करो। या अवंती, शॉपिंग? या बट एक्चुअली नॉट फॉर माई सेल्फ, मेरे लिए नहीं। एक्चुअली डैड ने कहा था कि मानवी के लिए कोई अच्छी सी हमारे स्टैंडर्ड की ड्रेस खरीद लूँ उसके पहनने के लिए। आफ्टर ऑल आज शाम को हमारे यहाँ पार्टी जो है, और तुम्हें तो पता ही है मानवी अपने टाइप की कोई बहन जैसी ड्रेस पहन कर आएगी। एंड यू नो, मुझे तो ये सोच सोच कर अजीब सा लग रहा है कि वो आखिर खाने में क्या बनाने वाली है। यू नो अवंती, अगर मानवी की जगह तुम होती ना तो मैं हैप्पीली विलिंगली तुम्हारी आके मदद करती, लेकिन आई डोंट नो व्हाई उसकी मदद करने का दिल ही नहीं करता मेरा। एंड यू नो, अचानक से आई फील दैट इट्स अ बेइज्जती का हफ्ता ऑल टुगेदर। हमने कुछ 50 स्पेशल गेस्ट को इनवाइट किया है एंड आई एम श्योर मानवी हमारी नाक कटवा कर ही रहेगी। तुमसे किसने कहा कि सिर्फ 50 गेस्ट हैं? मतलब मैंने कुछ और भी लोगों को इनवाइट किया है जो डैड के थोड़े क्लोज हैं, अंकल के थोड़े क्लोज हैं, लाइक उनके बिजनेस एसोसिएट्स, VVIP गेस्ट्स और एटसेट्रा एटसेट्रा। बेसिकली वो सारे गेस्ट जिन्हें अंकल इम्प्रेस करना चाहेंगे। बट बेचारी मानवी, वो तो आज फेल हो जाएगी। एनीवेज, आज तो ऐसे भी मेरा दिन होने वाला था अगर वो मानवी नहीं होती तो। पर इट्स ओके, आज भी मेरा ही दिन होगा। ये हुई ना बात, परफेक्ट प्लान एक्चुअली। यू नो, हमें बार बार डैड को ये रियलाइज करवाना होगा कि मानवी एक्चुअली हमारे साथ रहने के लायक ही नहीं, और राहुल भी उसे आखिर कब तक बचा लेगा। कभी ना कभी तो उसे अपनी गलती का एहसास भी होगा। एंड कभी कभी तो मुझे ये भी नहीं समझ में आता कि कोई इतना पागल कैसे हो सकता है कि तुम जैसी लड़की को छोड़ के मानवी जैसी लड़की से शादी कर। डोंट वरी, आखिर कब तक ये पागलपन चलेगा, कभी ना कभी तो वो बदलेगा ना।
एनीवेज आई विल सी यू, काम है मुझे थोड़े, बाय बाय. गॉड, ऐसे भी लोग होते, आई मीन इतनी आसानी से लोगों की बातों में आ जाते. इतना तो मुझे पता है कि राहुल मानवी को कभी छोड़ने नहीं वाला, उल्टा घर वालों की मानवी से प्रॉब्लम होने की वजह से राहुल खुद इस घर को छोड़कर चले जाएगा.